मसाला सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्रोज़न चाप लिया है और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे बॉईल करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी में 2 से 3 मिनट इसे हमें बॉईल करना है। और बॉईल भी हमें इसलिए करना है ताकि जो इसका जो फ्रोज़न होने के कारण जो इसका टेस्ट और जो इसमें स्मेल आती है वो ना आए, और साथ ही जो इसका ये स्टिक है वो ईजिली रिमूव हो जाए। तो चलिए इसे बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने पैन में करीब 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है, इतना कि हमारा सोया चाप जो है डिप हो जाए, और इसमें हम एक एक करके सारे सोया चाप जो है डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, इससे जो इसका स्मेल है वो आसानी से हट जाएगा। तो 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं इसे बॉईल करने के लिए, और अब ये बॉईल हो चुका है तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब यह लगभग ठंडा हो चुका है और हमें हल्का इसे गर्म ही रखना है, क्योंकि एकदम ठंडा होने पर यह फिर से स्टिक हो जाएगा, और फिर हमें धीरे धीरे करके आराम से प्यार से इसे ऐसे रिमूव कर लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे जो स्टिक है उसे रिमूव कर लेंगे। बहुत आराम से करना है क्योंकि प्रेशर लगाने से ये टूट सकता है। अब हम एक एक करके सारे चाप को टुकड़ों में कट कर लेंगे, और हमें ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने हैं, तो 3 से 4 पीस हम एक चाप का करेंगे। तो हमने सारे सोया चाप को ऐसे कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये ऐसे लेयर्स में होता है, और ये ऐसे ही लेयर्स में रहे और टेस्ट जो है इसका अंदर तक चला जाए, इसके लिए हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हमने तेल गरम कर लिया है और एक एक करके सारे सोया चाप को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, इसे मीडियम ही गर्म रहने देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और लगातार हिलाते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा फूल चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये फ्राई होकर तैयार हो गए। मैंने यहाँ 3 से 4 बड़े प्याज लिए थे और उन्हें बारीक लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, और मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। इसका हमें ग्रेवी में इस्तेमाल करना है, ग्रेवी का कलर इससे बहुत अच्छा आता है। तो जैसे हम बिरयानी में प्याज को फ्राई करते हैं क्रिस्पी, उसी तरीके से इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ मिक्सिंग जार लिया है और इसमें मैंने 10-12 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और 2-3 अचार जो हम आम का अचार डेली खाते हैं उसमें से मैंने 2-3 टुकड़े लिए हैं, और इन्हें मैं एक फाइन पेस्ट बनाने वाली हूँ जो मुझे मैरिनेट करने के काम आएगा। जो मैं सोया चाप है उसे मैरिनेट करने वाली हूँ तो उसके काम आएगा। अगर आप अचार यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं सोया चाप में थोड़ा अचारी फ्लेवर लाने के लिए इसमें अचार डाल रही हूँ। साथ ही मैंने जो प्याज को फ्राई करके रखा है वो भी अब ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस देने वाली हूँ और इसका एक फाइन पेस्ट बनाने वाली हूँ जो कि ग्रेवी में काम आएगा। सोया चाप जो है अब ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सिंग बाउल में रख के हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 कप दही लेंगे, और एकदम गाढ़ी दही लेनी है। इसके बाद हम लहसुन अदरक और अचार का जो पेस्ट बनाया था हमने वो रखेंगे। इस अचार से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट मैंने पहले ही कहा है अगर आपको अचार पसंद नहीं है तो आप सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट भी रख सकते हैं। 1/2 छोटे चम्मच नमक रखेंगे, 1/4 स्पून हम हल्दी रखेंगे, हल्दी बहुत थोड़ा रखेंगे सिर्फ कलर के लिए, 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर रखेंगे, 1 स्पून हम धनिया पाउडर रखेंगे, और 1 स्पून जीरा पाउडर, साथ ही 2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च रखेंगे। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च रख रहे हैं तो थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, और उसके बाद हम कुक करेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा हम ऑयल रखेंगे, कम से कम 1 या 2 चम्मच के हिसाब से, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च लिया है,
ये एक शिमला मिर्च है और एक प्याज है, और इसे ऐसे मैंने चौड़े चौड़े टुकड़ों में काट लिया है और प्याज को ऐसे मैंने लेयर बाई लेयर अलग कर लिया है, और इसे हम 1 से 2 मिनट स्टेयर फ्राई कर लेंगे। तो इसे 2 मिनट मैंने स्टेयर फ्राई कर लिया है, अब इसे अलग निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल और रखेंगे, करीब 1 बड़ा चम्मच। मैंने यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि सरसों तेल में सब्जियाँ जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, पर अगर आप कोई और तेल यूज़ करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, 1 स्टार फूल है, जावित्री, 1 बड़ा इलायची और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। ये सारा मैं इस तेल में रखूँगी और इसके तड़कने तक इसे पकाएंगे, क्योंकि तड़कने के बाद ही इसका फ्लेवर जो है सब्ज़ी में आता है। जैसे ही गर्म मसाले तड़क जाए, मैंने ये जो प्याज का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। और करीब 30 सेकंड हम इसे चलाएंगे, ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। करीब 30 सेकंड प्याज को पकाने के बाद करीब 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे। अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है इसीलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है तीखी नहीं होती है। और इसे 1 मिनट और हम पका लेंगे ताकि जो प्याज है, वैसे तो ये पका हुआ है पहले से, लेकिन थोड़ा सा ये ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हम 1 मिनट कम से कम पका लेंगे। 1 मिनट प्याज कुक करने के बाद इसमें हम मैरिनेट किया हुआ जो हमने सोया चाप अलग रखा था वो अब रख देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करके इसे भी डाल देंगे। मैंने जो बोल में मसाले लगे थे उसमें पानी मिक्स करके इसमें डाला, तो करीब 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाला, और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा लिक्विड ही नहीं हुआ है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे, और वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो दही हमारी फट जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लगातार इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और तेल भी सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर आके हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जो मैंने गरम करके इसे अच्छे से क्रश कर दिया था, तो करीब 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही थोड़ा और नमक ऐड करेंगे। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको नमक सही लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने मैरिनेट करते समय काफ़ी कम नमक डाला था, तो ग्रेवी के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा नमक और ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे 1 मिनट और हाई फ्लेम पर ऐसे ही मैं पकाऊंगी, और ये काम मुझे लगातार चलाते हुए करना है। 4 से 5 मिनट लगातार कुक करने के बाद हमने जो स्टेयर फ्राई करके शिमला मिर्च और प्याज रखा था वो डाल देंगे, और इसे मिक्स करके हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से, जितना भी आपको ग्रेवी पसंद है उतना पानी डाल सकते हैं। मुझे ये ड्राई ही पसंद है, और चूँकि ये अंदर पका नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद इसे ढक कर पकाना है। तो मैंने 1 कप पानी लिया है क्योंकि जैसे मैंने बताया हमें ड्राई पसंद है, मैंने सिर्फ 1 कप पानी लिया है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे एकदम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पकने देना है, और बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है क्योंकि इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है तो वो नीचे से पकड़ सकता है, इसलिए बीच बीच में स्टेयर करते रहेंगे। लेकिन कम से कम 8-10 मिनट तक इसे कुक होने देना है ताकि जो ग्रेवी है, जो मसाले हैं, वो चाप के अंदर तक ऑब्जर्व कर सकें। तो चलिए इसे 8-10 मिनट छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हमने इसे कुक करने के लिए छोड़ा था, और मैंने बीच बीच में अगर इसे स्टेयर भी किया था ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, और आप देख सकते हैं ये बन के तैयार है और कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। वेस्टर्न स्टाइल मसाला चाप बनके तैयार है, और ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगेगा। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लोगों से साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।